वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की सुबह हत्या कर दी गई। इस खबर के बाद बिहार में राजनीतिक तापमान एकदम से हाई हो गया। राष्ट्रीय जनता दल ने जहां कड़ी प्रतिक्रिया दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री हरीश सहनी, मंत्री जनक चमार सहित कई नेताओं ने, बड़े नेताओं ने बाहर आकर उनके पिता की निर्मम हत्या की निंदा की, साथ ही बड़ी बातें कही है। देखिए इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जी के निर्मम हत्या का दुखद समाचार सुनकर मर्माहत हूँ। इस संदर्भ में मैंने अपने पदाधिकारियों से संपर्क कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संदर्भ में मैंने कहा भी, और ये तो तय है कि गुनाहगार चाहे जहां भी वो छुप जाए वो पकड़े जाएंगे और दंड के भागी बनेंगे। इस संदर्भ में एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। इस दुख के घड़ी में मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और भाई मुकेश सहनी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु दुख सहने का क्षमता दे, ईश्वर से कामना करता हूँ। ओम शांति। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि वीआईपी प्रमुख आदरणीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। ये बड़ी दुखद घटना है जो बिरौल थाना के अंतर्गत सुपौल जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में ये घटना का अंजाम दी गई है। घटना के पीछे जो भी अपराधी हो, अपराधी बचने वाले नहीं हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित कर दी गई। जो भी अपराधी है, जहां भी हो, त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में कानून के तहत उसको जाना होगा। जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम होगा। और इस दुख के घड़ी में पार्टी और बिहार के जनमानस वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ खड़ी है।